नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। मेरे चैनल वायरल अर्बन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार की नई स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना की। दोस्तों, यह योजना भी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत दोस्तों बालिकाओं को शादी और पढ़ाई के लिए अनुदान दिया जाएगा उनका अकाउंट खुलवा कर। दोस्तों, आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, उस योजना के लाभ के लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम योजना के बारे में जान लेते हैं कि योजना है क्या। दोस्तों, भारत में हर लड़की के लिए पैसे बचाना इस योजना का उद्देश्य है। इस विचार पर दोबारा भरोसा जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुकन्या समृद्ध अकाउंट योजना शुरू की है। यह योजना लघु बचत योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा है। इसे घरेलू बचत का प्रतिशत बढ़ाने के लिए सरकार की एक पहल भी माना जा सकता है, जो 2008 में GDP 38% थी, जबकि 2013 में घटकर 30% रह गई। यह योजना माता पिता को अपनी लड़की की शिक्षा और भविष्य के लिए पैसा बचाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो दोस्तों हम जान ले सकते हैं हम कैसे कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों, अभिभावक को इसमें अकाउंट अपना खोलना होगा। माता पिता या कानूनी अभिभावक अधिकतम 2 लड़कियों के लिए यह खाता खोल सकते हैं। जुड़वा या 3 बच्चों के जन्म का एक साथ होने की स्थिति में अधिकृत चिकित्सालय से प्रमाण पत्र देने पर उन्हें इस योजना का शामिल किया जा सकेगा। उम्र की पात्रता की बात करें जो दोस्तों 0 से 10 वर्ष तक की कन्या का हम इसमें खाता खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में लड़की के नाम पर ही अकाउंट खोला जा सकता है। जमाकर्ता अभिभावक एक व्यक्ति होगा जो नाबालिग लड़की की ओर से अकाउंट में पैसे जमा करेगा। नंबर 4 पर दोस्तों बात करें इसकी कंडीशन की। एक लड़की का एक अकाउंट होगा, एक लड़की के नाम पर सिर्फ एक ही खाता खोला जा सकेगा। नंबर 5 कंडीशन की बात करें दोस्तों, इसमें अकाउंट कहाँ खुलेगा। अकाउंट की बात करें दोस्तों तो यह अधिकृत पोस्ट ऑफिस या बैंक में हम इसका खाता खुलवा सकते हैं, या आपके पास जो भी कोई पोस्ट ऑफिस हो या बैंक, SBI हो, ICICI बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, आप कोई से भी बैंक में जाकर इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों न्यूनतम भागीदारी के बारे में बात करें तो हर साल कम से कम 1,000 रुपये हर खाते में जमा होने चाहिए। अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। एक वित्त वर्ष में कितनी बार पैसे जमा किए जाएँ इस पर कोई पाबंदी नहीं है। पैसे नगद, चेक या ड्राफ्ट के जरिए हम इसमें जमा कर सकते हैं। दोस्तों यदि खाते में हर साल न्यूनतम धनराशि जमा नहीं कराई गई तो 50 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। तो इसके ब्याज की बात करें तो इस योजना में ब्याज की दर 9.1% प्रतिवर्ष रखी गई है। हालांकि हर साल अप्रैल में इसकी समीक्षा होगी, जो बदलाव होगा उसकी जानकारी तत्काल दे दी जाएगी। ब्याज की गणना सालाना होगी जिससे सीधे बैंक खाते में जमा करवाया जाएगा। अवधि की बात करें दोस्तों, अभिभावक इस अकाउंट से 14 साल पूरे होने तक पैसे जमा करवा सकते हैं। इसके बाद अकाउंट के परिपक्व होने तक कोई भी जमा राशि की जरूरत नहीं है। साधारण शब्दों में बात करें तो अगर यदि 2015 में कोई व्यक्ति 1,000 रुपये महीने में अकाउंट खोलता है तो उसे 14 साल यानी 2028 तक हर साल 12,000 रुपये डालने होंगे। मौजूदा हिसाब से उसे हर साल 9.1% ब्याज मिलता रहेगा। तो बच्ची 21 साल की होगी तो उसे 6,07,128 रुपये मिलेंगे। यदि आपको बता दें दोस्तों 14 साल में इस व्यक्ति के अकाउंट में कुल 1,68,000 रुपये ही जमा करने पड़े। इसके अलावा हमें 4,39,28 रुपये ब्याज मिल गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं साधारण सस्ते हमारी रकम 1,68,000 से दोस्तों 6,07,128 रुपये हो गई है। तो लड़की की उम्र 21 वर्ष होने के बाद अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। यदि इसके बाद भी पैसे नहीं निकालना चाहते तो इसमें ब्याज मिलता रहेगा। कराधान की बात करें दोस्तों, इसमें कराधान अधिनियम धारा 80C के तहत छूट में शामिल है। इस धारा के तहत सालाना 1.5 लाख तक के निवेश पर कर में छूट मिलती है। ब्याज और पूर्ण परिपक्वता राशि समय सभी तरह के भुगतान पूरी तरह से कर मुक्त होंगे। अकाउंट खोलने के लिए किस लेन देन के दस्तावेज की आवश्यकता होगी दोस्तों? इसके लिए आपको बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा, अभिभावक के पते का प्रमाण पत्र और फोटो पहचान पत्र जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी या आधार कार्ड आप दिखाकर इसे फॉर्म ले सकते हैं। अपने नज़दीकी बैंक में संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, वहाँ पर फॉर्म लेकर इसका वहाँ पर इसका अकाउंट खोल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें। अगर दोस्तों योजना से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर दें। इससे पहले दोस्तों आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।